हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान करे कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं रिंकू और स्वागत है आपको अपने चैनल गुनगुना द किचन ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, ये मकर संक्रांति का दूसरा पार्ट है क्योंकि वो ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो दोपहर तक का मैंने रूटीन शेयर किया था आप लोगों से और उसके बाद वाला ये मतलब वीडियो है। शाम में क्या बनता है मकर संक्रांति के दिन हम लोग यहाँ, तो मैं बताई ही थी कि खिचड़ी और चोखा बनता है और चटनी, पापड़ ये सब रहता है। तो उसी का मैं तैयारी की हूँ। तो मैंने मूंग दाल और हरा मूंग खड़ा और उड़द और इसके बाद चना दाल, अरहर दाल, मतलब पांच दाल मिक्स करके मैं पानी में डाल देती कि थोड़ा फूल जाए तो ये बनने में जल्दी हो जाएगा। तो मैं पहले क्या करती हूँ कि दाल को बॉईल कर लेती हूँ, उससे मेरा खिचड़ी बहुत अच्छा बनता है। दाल चावल एक में मिक्स करने से अच्छा नहीं उतना हो पाता है, भले ही जल्दी के लिए आदमी उस तरीके से बना देता है, लेकिन आज स्पेशल है तो स्पेशल तरीके से खिचड़ी बनाना है, तो इसलिए मैं दाल को पहले बॉईल कर लूँगी और आलू उसी में डाल दी हूँ छील के, ताकि चोखा के लिए आलू भी साथ साथ बॉईल हो जाए। तब तक मैं सारी सब्जियां यहाँ पे काट के तैयारी कर लेती हूँ, जैसे कि गोभी, गाजर, बीन्स, मटर और मतलब जो सब्जी है आपके पास जो डालना है उसमें, उस सब की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सारी सब्जियां कट कर लूँगी और इसके साथ प्याज लहसुन भी कट करके रख लूँगी तड़का लगाने के लिए, और टमाटर और चोखा के लिए मैंने यहाँ बैंगन टमाटर भी निकाल लिया है। तो सब कुछ तैयारी करके रख लेती हूँ और चावल भी धो के साफ करके पानी में डाल देंगे ताकि चावल भी मेरा अच्छे से फूल जाए। तो इस तरीके से मतलब खिचड़ी का ये होता है मकर संक्रांति के दिन। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और बच्चे ये देखिए किस तरीके से आया कि बीच बीच में नौटंकी कर रही थी, तो इसी तरीके से ये लोग करते हैं। तो ये देखिए मेरा सब्जी कट गया है, मैंने धो दिया है और यहाँ पे मैं प्याज, तेजपत्ता, लाल मिर्च, हींग, जीरा, लहसुन, अदरक ये सब डाल के भून ली। इसके बाद इसमें सब्जी डाल के भी इसको हल्का सा भून लूँगी, तब मैं उसमें खिचड़ी में डालूँगी। और ये भून जाए तब तक इसको कम आँच पे छोड़ देते हैं, तब तक एक मसाला तैयार करते हैं। इससे इसका टेस्ट खिचड़ी में आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है अगर इस तरीके से पीस के डालेंगे तो। तो जीरा, काली मिर्च और हरी मिर्च, अदरक और पत्ता वाला जो लहसुन होता है, लहसुन और थोड़ा सा धनिया, और हम पीस लेंगे इस मसाले को। और ये मसाला जब खिचड़ी में पड़ता है ना, इतना उभर के टेस्ट आता है कि हम क्या ही बताएं, बहुत टेस्टी हो जाता है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ और मेरा देखिए खिचड़ी लगभग थोड़ी देर में रेडी ही हो जाएगा। और खिचड़ी इतना टेस्टी बना था, ये देखिए इतना सारा जो है ना सब खिचड़ी ख़त्म हो गया था, मतलब पेट भर रहा था लेकिन मन नहीं, ऐसा था, मतलब खिचड़ी बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पर मैं घी का लगा दूँगी तड़का ऊपर से भी, और दो बार मैं लगाती हूँ ऊपर से तड़का, छौंक लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी डाला हुआ है और जीरा, हींग और लाल मिर्च, थोड़ा सा तेज़पत्ता, और इसे हम ऊपर से छौंक लगाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा लहसुन भी डाल देंगे साथ साथ में, और लहसुन तो पीस कर डाली भी हूँ और थोड़ा सा लहसुन मैं छौंक में भी डाल देती हूँ, तो मेरा खिचड़ी बन जाएगा। इसके ऊपर हम घी डालेंगे साथ में, मतलब जब सर्व करेंगे तब हम घी डालेंगे, क्योंकि खिचड़ी में जब घी पड़ता है अच्छे से तो मज़ा ही और हो जाता है। तो
तो ये देखिए हमारा बहुत ही लाजवाब सा खिचड़ी बन के हो गया है रेडी। आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा ज़रूर। तो अब हम यहाँ पे सेक लेते हैं पापड़। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो लाल देना लील से अरुण धर लाल रंगूर बज देना देव देहदा नव दलन जय 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 कृष्ण। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है सुबह का। तो मैं पूजा कर रही थी और आदि लेके मोबाइल गया था कि मम्मी मोबाइल खोल दो पासवर्ड, और थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया। मैं पूजा कर रही थी तो मैं बोली कि करके रहे हो तो बोल रहा है कि तुम्हारा वीडियो बना रहा हूँ। तो बस थोड़ा सा क्लिप किया था उसको मैंने डाल दिया। और इसके बाद मैं आ गई किचन में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीठा चटनी और गोभी का पराठा बनाऊँगी। केला नाम है हमारे घर आई माता जी बाल खोल उल के हमारे घर बाल उल खोल के माता जी आई दो तरह का लिए है। हाँ, एक लिए है डोमेस्टिक भी, और डोमेस्टिक वाले में तीन लोग, डोमेस्टिक में तीन लोग, कमर्शियल वाले में तीन लोग। मेरी तपस्या को भंग करने वाली तू कौन होती है? तू मैं तो जा रही थी नीचे, गिर गई तो मैं क्या करूँ, मेरे को मारा जा रहा है। तो बच्चे लोग की छुट्टियां होती है तो ऐसे ही शरारतें करते रहते हैं। एक तो ठंडी का मौसम है, सब बिस्तर पे ही कंबल ओढ़ के हीटर चला के बैठा हुआ है और उसी में मस्ती शरारत खूब चल रहा है, क्योंकि बाहर जाने का मौसम नहीं है। बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, तो इसलिए हम लोग बोले कि बिस्तर पे रहो। तो है इस तरह की बदमाशी, और भाई बहन में तो झगड़ा ऐसे ही होता है, तो इसी तरह से झगड़ा वगड़ा अपना चलते रहता है। तो अभी आप लोग देखे ही कि किस तरीके से बच्चे बदमाशी कर रहे थे और नौटंकी कर रहे थे उसी में अपना, जो जो दिमाग में आ रहा है वो कर रहे हैं, बच्चे हैं तो कोई बात नहीं। चलिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों की मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे एक अगले ब्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।